हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी गैलरी से कोई फोटो या वीडियो हैक हुई है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी फ़ोटो या कोई वीडियो हैक हो जाती है तो आप उसके बारे में आपने क्या करना है, तो दोस्तों आपको मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आपके फ़ोन में ही एक सेटिंग होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो हैक हुई है या नहीं। तो दोस्तों, आजकल जो हैकर है वो काफ़ी ख़तरनाक आ गए हैं, जिससे होता क्या है कि दोस्तों आपकी वो कोई भी फ़ोटो या वीडियो हैक कर लेते हैं और वो आपको बाद में ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि मैं ये आपकी वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपकी कुछ ऐसी पर्सनल वीडियो या फ़ोटो होती है जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जिससे दोस्तों होता क्या है कि आप डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊँगा कि आपने ऐसी क्या गलती की होगी कि आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो उसके पास चली गई। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आपने वो क्या गलती की होगी और आपको वो गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह, मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल हरपाल पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे कि आपको कोई इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता करने के लिए कहाँ जाना होगा कि आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो हैक हुई है या नहीं। तो दोस्तों, आपको जाना होगा यहाँ पे गूगल फोटोज़। तो दोस्तों, ये हर एक फ़ोन में होता है फोटोज़। तो दोस्तों, ये होता है गूगल का ही एक है ये, जिसमें होते हैं फ़ोटोज़। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर करना है क्लिक। और दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बारे में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आपने फिर यहाँ पर करना है थ्री डॉट पर करना है क्लिक। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन। तो दोस्तों, आपने सिंपली से कर देना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो दोस्तों, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शेयर्ड लाइब्रेरीज। तो दोस्तों, ये आपने यहाँ पे करना है क्लिक। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो हैक नहीं हुई होगी तो दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, अगर आपका इंटरफेस कुछ इससे अलग आता है तो दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो हैक हुई है। तो दोस्तों, आप अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो हैक हुई है, आप जानना चाहते हो कि मैं अब क्या करूं कि मेरी फ़ोटो या वीडियो किसी के साथ शेयर ना हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि जाने अनजाने में आप कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट आ जाती है, जैसे कि आपकी ईमेल एड्रेस, जैसे कि आपका फेसबुक या किसी इंस्टाग्राम पर डाला होता है। तो दोस्तों, जिसे होता क्या है कि हैकर वहां से आपकी ईमेल एड्रेस चुरा कर यहाँ पर आपको मेल कर देते हैं या रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जिससे दोस्तों होता क्या है कि आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि दोस्तों आपकी कोई भी फ़ोटो या वीडियो वो देख सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका अगर ऐसा इंटरफेस नहीं आया होगा तो दोस्तों मान लीजिए आपका कोई भी फ़ोटो या वीडियो हैक हुई है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है सिंपली से, तो दोस्तों उस बंदे की यहाँ पे ईमेल आईडी आई होगी। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आई होगी यहाँ पे लिखा होगा रिमूव। तो दोस्तों, आपने वहाँ पे से रिमूव के कर देना है क्लिक, जिससे होगा क्या कि दोस्तों उस बंदे के पास कोई भी आपकी फ़ोटो या वीडियो नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था जो मैं आज आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी फ़ोटो या वीडियो हैक हुई होगी तो दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा इंटरफेस आया होगा तो दोस्तों मान लीजिए आपका फ़ोन सेव है। तो दोस्तों, ये था जो आज मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।